हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अन अकेडमी के नीट यूजी क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर हम अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाते हैं बाय रिवाइजिंग चैप्टर्स थ्रू क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस कुछ उस तरीके के होते हैं जो हमारे नीट यूजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं या उसी करिकुलम को फॉलो करते हुए हैं। तो यहाँ मेरा मकसद ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा दिए जाएँ ताकि आप किसी चैप्टर से कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने तरीके से उस कंसेप्ट को मोल्ड किया जा सकता है, उस चीज़ में अपने आप को कंफर्टेबल पाएं। अभी हम लोग बात कर रहे थे, कल हमने शाम को शुरू किया था थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, तो आज के लेक्चर में भी हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स में हमने पार्ट वन कर लिया है, अभी हम लोग पार्ट टू करेंगे। तो पार्ट वन में कुछ इजी क्वेश्चंस थे, कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस थे, अभी हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चंस को रखने की कोशिश करेंगे इसमें। और जितना भी आपको कराया जाता है हर सेशन में, मेरा यही मकसद होता है कि आपको 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास दे दिए जाएं, जिनको आप इमिडिएटली अगर प्रैक्टिस कर लें तो आपका वो कंसेप्ट पूरा पक्का हो जाना चाहिए, उसमें आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, ये गुड आफ्टरनून हो गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो लोग अभी नए आए हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनका आपको टेलीग्राम लिंक पे पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, और उस पीडीएफ को आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तुरंत सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चीज़ें फ्रेश रहती हैं, आप तुरंत प्रैक्टिस कर लोगे तो गलती नहीं होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट टू करेंगे, 8 बजे फिर हम लोग PYQ पार्ट वन करेंगे, और कल तक थर्मोडायनेमिक्स को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ओके, और ये सारे क्वेश्चंस आपके उसी करिकुलम को लेकर हैं, नीट के करिकुलम को लेकर। और यहाँ जितने भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हमें केवल क्वेश्चन सॉल्विंग को देखना है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट है जिसको क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है, सो मैं ट्राई करता हूँ उसको समझाने की, और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। जैसा कि मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव, और मैं आपकी हेल्प करूँगा केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है केमिस्ट्री में ही, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और उसके अलावा मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 रही है CSIR नेट में, और साथ ही साथ मुझे 7 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है आप जैसे बच्चों को पढ़ाने का। अब आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दूं, आप तैयारी के सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे, इंडिया का जो सबसे अच्छा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो है अनअकैडमी, और आप उससे जुड़ चुके हैं। और अगर अभी आप नए हैं तो प्लीज़ इसके सब्सक्रिप्शन को ज़रूर ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, लाइक अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, और साथ ही साथ आपकी तैयारी को एसेस करने के लिए लाइव टेस्ट और क्विजेस का भी वहाँ पर प्रावधान है। और आपका कोई लेक्चर अगर मिस हो जाता है तो आप उसको रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में देख सकते हैं। इस समय प्लस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी सीरीज चल रही हैं, आप लोग प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए। मैं भी अब शुरू करने वाला हूँ वहाँ पर एक रैंक बूस्टर सीरीज, जिसमें मैं कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री पहले रिवाइज कराऊंगा, फिर कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कराऊंगा, और फिर कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कराऊंगा बिफोर द नीट यूजी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया हुआ है। प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं, और एक ही स्क्रीन के सामने, और आप देख सकते हैं फीस बहुत ही कम है। और मेरी हमेशा आपसे यही गुजारिश रहेगी कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लीज़ 2 साल या 1 साल के सब्सक्रिप्शन को ही प्रेफर कीजिए, क्योंकि वो आपको काफ़ी इकोनॉमिक पड़ेगा और आप लॉन्ग टर्म पर जुड़ पाएंगे इस प्लेटफॉर्म से, और तैयारी अच्छी तभी होगी जब आप कहीं से लॉन्ग टर्म से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन के दौरान मेरा कोड SHUBH यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलता है, और ये कोड आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं तो आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स और अपने जानने वालों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कोड इज़ वैलिड फॉर ईच एंड एवरी कोर्स अवेलेबल ऑन अनअकैडमी। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपने नहीं लिया है तो आप इस कोड को यूज़ कीजिए, और अगर आपने ले लिया है तो आप अपने जानने वालों को ज़रूर ये कोड बताएं, इससे हमें आगे की सीरीज़ कंटिन्यू रखने में मौका मिलेगा। ओके, सो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें, अब हम शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट टू का सीरीज़। पार्ट टू में मैंने काफ़ी बातें, काफ़ी क्वेश्चंस कल करा दिए थे, अब उसी के आगे हम शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन इमिडिएटली हो जाना चाहिए सबका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या होना चाहिए इसका आंसर? कह रहा है कि फॉर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस CP एंड CV आर मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम।
पहले पढ़ाई कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, है ना। तो सी पी एंड सी वी आर मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। सो इसके रिलेशन को बताने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं मेयर फॉर्मूला। और मेयर फॉर्मूला एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ठीक है। सो इस हिसाब से हमारा आंसर वन करेक्ट हो जाना चाहिए। अब जिसको नहीं आता है उसको एक बार मैं समझा दूँ कि ये आता कैसे है, हाउ दिस रिलेशन इज कमिंग आउट। हम लोग जानते हैं कि तुम्हारा प्रूफ कर सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ओके। और डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है एन सी वी डेल्टा टी, और पी डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है एन आर डेल्टा टी, ओके। सो एन तो कॉमन हो गया और डेल्टा टी भी कॉमन हो गया, तो ये क्या आ गया, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, और यहाँ से आ गया सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। सो अगर कभी आपको कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़न वैसे नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी है। सो इस तरीके से आप, अगर आपको ये रिलेशन याद है तो इसको डेराइव भी कर सकते हैं। दिस इज द वे जिस हिसाब से ये फॉर्मूला आता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कह रहा है कि वेन एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली द फाइनल टेम्परेचर इज। तो अब देखो ये रटने वाली चीज नहीं है, ठीक है, रटने वाली चीज नहीं है। इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को, आप लोग प्लीज ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वेन अ गैस इज कंप्रेस्ड इसका मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड होने का मतलब हुआ कि वर्क इज डन ऑन द गैस, मतलब ऑन द सिस्टम वर्क किया गया है। इसका मतलब हुआ कि वर्क डन, ठीक है, कंप्रेस किया गया है कि मतलब वर्क डन ऑन द गैस है। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब वर्क डन इज पॉजिटिव, ओके। प्रोसेस इज एडियाबेटिक, एडियाबेटिक इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू थ्रू आउट क्या रहा है, जीरो रहा, ठीक है। वर्क इज डन ऑन द गैस, समझना। देखो ये हम रटवा नहीं रहे हैं कि कंप्रेस किया गया टेम्परेचर बढ़ेगा, हम समझा रहे हैं तुम्हें कि गैस जब कंप्रेस की गई है वर्क डन ऑन द गैस है, और वर्क डन ऑन द गैस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वर्क डन है। एडियाबेटिक प्रोसेस है मतलब क्यू जीरो रहा होगा। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अगर देखें, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हमें क्या समझ आता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ठीक है। सो क्यू प्लस डब्ल्यू होता है तो क्यू जीरो है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा यू भी पॉजिटिव होगा, और डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है एन सी वी डेल्टा टी, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर चेंज इज पॉजिटिव। इफ डेल्टा टी इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल टेम्परेचर वॉज हायर देन इनिशियल, ठीक है। क्योंकि डेल्टा टी हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर बढ़ा है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा, यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा कि अगर कोई गैस को कंप्रेस किया जाता है एडियाबेटिकली, सो आपका फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से हायर होता है। आई होप सब लोगों ने समझ लिया होगा इस कंसेप्ट को कि कैसे हमने इसको प्रूफ किया, हमने इस चीज़ को रटा नहीं। क्लियर हो सभी लोग, यस या नो बता दो भाई। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। सभी लोगों को समझ आ गया, बिल्कुल, फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल होगा, क्लियर होंगे सभी लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी इज 75 जूल पर केल्विन पर मोल। इसका मतलब आपको दे दिया है सीपी दिया हुआ है कितना, 75 जूल पर केल्विन पर मोल। कह रहा है कि व्हेन 1 kJ हीट ऑफ इज सप्लाइड, हीट कितनी सप्लाई की गई है, हीट कितनी सप्लाई की गई है, ये सब कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। 1 kJ, 1 kJ का मतलब 1000 joule, ठीक है। 2000 ग्राम ऑफ वाटर,
ठीक है, मास ऑफ वाटर कितना है, 1000 ग्राम, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, थाउजेंड बाई 80 मोल्स, ठीक है। सो पूछ रहा है डेल्टा टी कितना होगा, सो भैया क्यूपी इज इक्वल टू होता है एन सी पी डेल्टा टी, है ना जी। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यूपी जो कि आपको 1000 जूल है, नंबर ऑफ मोल्स जो कि 1000/18 है, और सीपी जिसकी वैल्यू दी है 75। सो 1000 से 1000 कट जाएगा, ये इतने केल्विन आएगा, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 0.24 केल्विन। सो इसका मतलब हुआ कि अगर आप 1000 ग्राम वाटर को, जिसकी मोलर हीट कैपेसिटी ये है, तो आप क्या कर लोगे, आंसर कैलकुलेट कर लोगे, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये वाला ईजी लगा होगा सबको, अच्छा सवाल था। सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 16 किलोग्राम ऑक्सीजन गैस एक्सपेंड्स एट एसटीपी, ध्यान रखिएगा एसटीपी पे, ठीक है। तो कितनी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है कितना, 16 kg, 16 kg का मतलब हुआ 16000 ग्राम, 16000 ग्राम का मतलब हुआ मोल्स कितने हो जाएंगे, 16000 / 32, और ये आ जाएगा तुम्हारा 500 मोल्स। मतलब आपको ऑक्सीजन गैस कितनी दी हुई है, ऑक्सीजन गैस दी हुई है 500 मोल्स। अब 500 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा एसटीपी पे, 500 × 22.4 लीटर हो जाएगा, ओके ये वॉल्यूम हो गया। अब क्या कर रहा है, आइसोबैरिक बायरिकली ऑक्यूपाई डबल ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसको अगर हम वी मान लें, वी इनिशियल, सो वी फाइनल क्या है, डबल है वी आई का, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई, यानी कि वी आई ही आएगा, इतना ही आएगा चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आपको चेंज इन वॉल्यूम पता है और एक्सटर्नल प्रेशर इस पे कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, 1 atmosphere। सो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, हमेशा माइनस पी डेल्टा वी, ओके। सो माइनस पी डेल्टा वी माइनस 1 × 500 × 22.4 लीटर एटीएम आएगा। अब 1 liter ATM इक्वल्स टू होता है 24.2 calorie, ओके 24.2 calorie होता है। सो आपका जो वर्क डन का मैग्नीट्यूड है वो निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। वर्क डन का मैग्नीट्यूड पूछा है, ये नहीं पूछा है वर्क डन ऑन द गैस है या बाय द गैस है। सो ये आ जाएगा आपका 500 × 22.4 × 24.2 calorie। सो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 271 kcal के आसपास आता है। यू कैन चेक फॉर द कैलकुलेशंस, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सभी लोगों को आई होप ये समझ आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ थी नहीं। इज एवरीवन ओके विद द एक्सप्लेनेशन, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन में, अगर है तो अभी पूछ लीजिए, हम बता देंगे आप लोगों को। है किसी को कोई प्रॉब्लम, हाँ क्या प्रॉब्लम है बताओ, कहां पर दिक्कत आ रही है बताओ, क्या समझने में दिक्कत है। हाँ क्या बताओ, क्या प्लीज बताओ, क्या नहीं समझ आया, मैं समझा दूंगा। टैड का शेड्यूल, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम दिया तो, देखो यहाँ वैसे पूछा तो मैंने कल बताया था, कन्वेंशन होता है वर्क डन और हीट का, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वो निगेटिव होगा। जैसे यहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम था तो निगेटिव होना चाहिए था अगर ढंग से देता तो, लेकिन इसने केवल और केवल मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है। यहाँ पहले ही बोल दिया वर्क डन बाय द सिस्टम गैस एक्सपेंड कर रही है, तो वो इतना मतलब माइनस लगा हुआ, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। हीट अगर गिवन टू द सिस्टम होता है पॉजिटिव होता है, गिवन बाय द सिस्टम होता है तो नेगेटिव होता है, ओके। आई होप सभी लोगों को समझ आ गया होगा।
नहीं समझ आया तो एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेना, आ जाएगा। कह रहा है कि द इंथैल्पी एंड इंट्रोपी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन आर। अब देखो इंथैल्पी और इंट्रोपी चेंज दिया हुआ है। इंथैल्पी चेंज का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच दिया हुआ है कितना, -2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 कैलोरी दिया हुआ है। और जो तुम्हारा चेंज इन एंट्रोपी दिया हुआ है डेल्टा एस, वो दिया हुआ है 7.4 कैलोरी पर केल्विन, है ना। तो प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ रिएक्शन, तो टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन, कह रहा है कि रिएक्शन कैसी होगी। सो नेचर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाई डेल्टा जी, ठीक है। डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा टी अगर नेगेटिव हुआ, उसी हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। तो अब डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अगर हम लिखे, सो डेल्टा एच अपना क्या है, निगेटिव है, माइनस टेम्परेचर पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव ही आ रहा है। सो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी निगेटिव ही आएगी। कल हमने बताया भी था कि अगर डेल्टा एच निगेटिव होता है और डेल्टा एस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो फॉर एवरी टेम्परेचर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। सो इस कंडीशन में ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप देख लो निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है मतलब स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा तो ऑप्शन नंबर वन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन वन करेक्ट है। ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेल्टा एस नॉट विल बी हाईएस्ट फॉर द रिएक्शंस, ठीक है, कौन सी रिएक्शंस के लिए हाईएस्ट होगा। तो मोर द रैंडमनेस मोर इज एंट्रोपी, ठीक है। और गैस की एंट्रोपी अगर देखी जाए सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर किसकी होती है, सॉलिड की होती है। सो उस हिसाब से अगर हम यहां पर देखें, यहां पर अगर हम देखें तो गैस से सॉलिड की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि एंट्रोपी चेंज क्या आया जाएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा। यहां सॉलिड से सॉलिड गैस, यहां एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा, करेस्पॉन्डिंग टू वन गैस मॉलिक्यूल। चेंज इन डेल्टा एन जी क्या है, वन है, वन गैस मॉलिक्यूल। डेल्टा एन जी जितना ज्यादा होगा, है ना, उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा, एंट्रोपी चेंज होगा। सो यहां देखो एक गैस से यहां डेल्टा एस जीरो हो जाएगा, और यहां दो गैस से एक गैस, दो गैस जा रहा है, यहां भी डेल्टा एस जीरो होगा। सो सबसे ज्यादा गैसियस चेंज किसमें आया, सेकेंड ऑप्शन में आया है। सो यहां पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राज सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है, ठीक है, तो यहां भी दो गैस मॉलिक्यूल थे, यहां भी दो गैस मॉलिक्यूल थे, तो दोनों में जीरो, तो कोई एंट्रोपी चेंज नहीं हुआ। यहां एक गैस मॉलिक्यूल था, यहां भी एक गैस मॉलिक्यूल था, एंट्रोपी चेंज जीरो हुआ। यहां एक भी गैस नहीं था, यहां एक गैस मतलब बढ़ गया एक से, यहां एक गैस था, इधर एक भी नहीं, घट गया, ठीक है, एंट्रोपी घटी है। सो बढ़ी कहां पर है सबसे ज्यादा, सेकेंड में भरी बढ़ी है, तो पॉजिटिव सबसे ज्यादा सेकेंड में होगा, ध्यान से देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस द वैल्यू ऑफ, तो देखो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये डेल्टा एस यूनिवर्स होता है, ठीक है। एंड ये एक स्टेटमेंट कहा गया है कि फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस एंट्रोपी of universe is increasing. So अगर entropy of universe increase कर रही है, ठीक है, तो entropy of universe अगर increase कर रही है, so आपका delta S universe final minus initial होता है, तो final अगर बड़ा है तो हमेशा क्या होगा, positive होगा। यहां पर हम positive answer लगाएंगे, option वन correct हो जाएगा। कहां पर थ्री होगा, कहां पर थ्री होगा, इसमें फोर नहीं होगा, इसमें सेकंड होगा। आप लोग फिर से देख लो भाई, डेल्टा इज नॉट हाईएस्ट पूछा है ना,
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अ क्लोज्ड फ्लास्क कंटेन्स अ सब्सटेंस इन ऑल इट्स थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, वेपर एंड एट इट्स ट्रिपल पॉइंट. मतलब ट्रिपल पॉइंट का मतलब वो होता है जहां पर तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती है. तो कह रहा है इस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी. ठीक है. सो एक चीज हम लोग ने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ी थी कि फॉर गैसेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस. बट फॉर डिफरेंट स्टेट्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो गैसियस फेज के लिए सबसे ज्यादा होगी, फिर लिक्विड के लिए होगी, फिर किसके लिए होगी, सॉलिड के लिए होगी, क्योंकि यहां मूवमेंट भी हमको काउंट करना पड़ेगा गैस में तो सब कुछ. ठीक है. अरे कुछ क्यों नहीं दिया होगा यार, वो बदला लेने के लिए थोड़ी ना तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं कुछ दूंगा ही नहीं, तुम बताओ, है ना, वो दिया होगा सारा कुछ. तो यहां पर अगर देखा जाए तो सेम टेम्परेचर पर अगर खाली गैसेस होती सब तो काइनेटिक एनर्जी सेम होती है ना, लेकिन थ्री स्टेट्स अगर अलग अलग हैं तो आपका जो गैसियस फॉर्म है यानी कि वेपर फॉर्म है उसका हाईएस्ट होगा. सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सेम नहीं होगा यहाँ, सेम तब होता जब गैसेस होती है ना, कि देयर आर थ्री गैसेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तब वो बराबर होता. लेकिन अगर सेम मटेरियल की डिफरेंट फेजेज हैं तो आप खुद ही सोचो ना, लिक्विड में पार्टिकल उतना बढ़िया से नहीं मूव कर पाता है, सॉलिड में तो और नहीं मूव कर पाता है, और जो है गैस में अच्छे से मूव कर लेता है. तो सेम टेम्परेचर पर ज़्यादा मूवमेंट किसका हो रहा है, ज़्यादा मूवमेंट ऑब्वियसली गैस पर. समझ नहीं आ रहा सर, क्या नहीं समझ आ रहा भाई, वाइल्ड मंक, क्या नहीं समझ आ रहा तुमको बताओ, पहली क्लास अटेंड कर रहे हो क्या. अरे भाई काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, कोई जितना अच्छा मूव कर पाए. अब सेम टेम्परेचर पे तुम लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों चीजें रखे हो, ज्यादा अच्छा कौन मूव करेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो है तुम्हारा गैस ही मूव करेगा. ठीक है, ओके, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. कह रहा है कि द टेम्परेचर एट विच द गिवन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. सो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी तुम्हारा जीरो होता है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है. तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. सो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एच विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एस. सो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पे ये हो जाएगा, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस हो जाएगा. और डेल्टा एच की वैल्यू है 30.5 किलो जूल और डेल्टा एस की वैल्यू है 0.066 किलो जूल. इतना केल्विन आ जाएगा, इसको जरा सॉल्व करके देख लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा. 30.5 डिवाइडेड बाई 0.066, सो इट इज़ कमिंग अप्रॉक्सीमेटली 462.12 केल्विन. ठीक है. सो ऑप्शन अपना कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा. 462.12 केल्विन के आसपास ये इक्विलिब्रियम एग्जिबिट करेगा. ठीक है भाई, सभी लोग सही हैं, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. देखो कह रहा है कि वन मोल ऑफ अ नॉन आइडियल गैस अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट टू एटमॉस्फियर 3 लीटर 95 केल्विन. ठीक है, 4 एटमॉस्फियर 5 लीटर इस पे जा रहा है कि विथ अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इतना, सो द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द प्रोसेस इन लीटर एटीएम इज. ओके भाई, तो आप हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी. ओके, सो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन हो जाएगा.
ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर अगर चेंज नहीं होगा तो आपके डेल्टा एच डेल्टा यूज क्या होते हैं, जीरो होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू अपना कितना है 30 लीटर एटमोसफियर है, पी टू की वैल्यू है 4 और वी टू की वैल्यू है 5, पी वन की वैल्यू है 2 और वी वन की वैल्यू है 3। सो ये हो जाएगा 30 प्लस 20 माइनस 6 लीटर एटीएम ही आ रहा है, ये आ जाएगा अपना 30 प्लस 14 यानी कि 44 लीटर एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर अपना सी दिख रहा है यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ टेम्परेचर को देख के कन्फ्यूज नहीं होना था, ये टेम्परेचर देने का मतलब ही यही है कि भाई टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो यानी कि डेल्टा एच और डेल्टा यू में चेंजेस आएंगे। अगर ये सेम दिया होता तो डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या हो जाते, जीरो हो जाते, चाहे ये जो चेंजेस कुछ भी रहे होते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर इसी क्वेश्चन में मैं 245 यहाँ कर दूं या यहाँ 95 कर दूं, सो ये सारा का सारा डेटा धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस होगा और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, तुम्हारा जीरो होता है इन सारे चेंजेस की वैल्यू। देखो भाई, अभी अभी बोला अभी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो फॉर आइसोथर्मल, तो डेल्टा एच भी डेल्टा ई भी जीरो होता है, डेल्टा एच भी जीरो होता है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो लॉलीपॉप वाला सवाल था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इन एन इंसुलेटेड कंटेनर वाटर इज स्टर्ड विथ अ रॉड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब क्या हो गया, इंसुलेटेड कंटेनर मींस क्यू बराबर जीरो। ठीक है, एंड वाटर इज हीटेड, इंप्लॉयज दैट कि वर्क डन कुछ ना कुछ हुआ है। ओके, सो इस तरीके के प्रोसेस के लिए डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। सो इसका मतलब यहां से क्या आ गया, डेल्टा यू और डब्ल्यू बराबर हैं, और वहां से आया कि डेल्टा यू और डब्ल्यू जीरो के बराबर नहीं है। सो इस तरीके की प्रोसेस के लिए डेल्टा यू और डब्ल्यू नॉन जीरो होंगे और क्यू क्या होगा, जीरो होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर वन के अंदर दिखाई दे रहा है। सो ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं, हाँ जी, हीट एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, आइसोथर्मल है ना, अरे क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ 15 ml ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इंक्रीजेस बाय 2 डिग्री सेल्सियस व्हेन 15 ml ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड टू इट। ठीक है, सो इफ 5 ml ईच आर मिक्स्ड टेम्परेचर शुड बी इंक्रीज बाय, सेम होगा। ठीक है, ठीक है, डेल्टा टी इज सेम फॉर न्यूट्रलाइजेशन, है ना, केवल डेल्टा एच वैरी करेगा, डेल्टा एच विल वैरी। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी पी डी टी। तो भैया जिस हिसाब से एन बढ़ाओगे डेल्टा एच बढ़ता रहेगा, लेकिन डेल्टा टी और सी पी क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। सो चाहे 5 ml कराओ, चाहे तुम 10 ml 10 ml कराओ, चाहे 150 ml कराओ, 2 डिग्री सेल्सियस से अगर बढ़ रहा है 15 ml के लिए, तो उतने के लिए भी वो 2 डिग्री सेल्सियस ही राइज करेगा। ओके, समझ आई बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, कि द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 गैस एंड N2O4 आर 8 and 4 किलो कैलोरी पर मोल रिस्पेक्टिवली, द हीट ऑफ डाइमराइजेशन ऑफ NO2 इन कैलोरी इज। सो हीट ऑफ डाइमराइजेशन, ठीक है, डाइमराइजेशन ऑफ NO2 इज गिवन एज, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है भैया, 2NO2 कर देते हैं और इससे तुम्हारा क्या बन जाता है, N2O4 बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस का डेल्टा एच क्या हो जाएगा, एच ऑफ N2O4 माइनस ट्वाइस ऑफ एच ऑफ NO2। तो N2O4 का कितना दिया हुआ है, N2O4 का 4 किलो कैलोरी दिया हुआ है, और NO2 का कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है किलो कैलोरी। सो ये कितना आ जाएगा, 4 - 16 - 12 किलो कैलोरी। सो हीट ऑफ
डाइमराइजेशन फॉर एनओ टू विल बी -12 किलो कैलोरी, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। सभी लोगों को समझ आ रहा होगा, स्मूथली कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कह रहा है कि इफ, मैं कल बोला था ना तुम लोगों को कि थर्मोकेमिस्ट्री में जो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस यूज होती हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव करती हैं जैसा आप मैथमेटिकल इक्वेशंस को पढ़ते हो, ठीक है, कि साइन चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया, ऐड सब्सट्रैक्ट जैसे करते हो, तो सिमिलर वे में आप अगर थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को यूज़ करना शुरू कर देते हैं सो आपकी थर्मोकेमिस्ट्री की कोई प्रॉब्लम कभी गलत नहीं होगी। और दूसरी चीज, थर्मोकेमिस्ट्री में जितने टर्म्स यूज होते हैं उनका आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए कि भैया हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है। सो हर एक प्रोसेस को आपको रिएक्शन में लिखना भी आना चाहिए कि हीट ऑफ एटमाइजेशन कैसे लिखा जाएगा, सॉलिड टू गैसियस एटम आइसोलेटेड, ठीक है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल रहा है तो क्या होगा, वो रिएक्शन में लिखनी आनी चाहिए। सो आप थर्मोकेमिकल डेटा और थर्मोकेमिकल इक्वेशन को बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, एक रिएक्शन दी हुई है जिसका डेल्टा एस दिया हुआ है, कह रहा है कि द हीट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ मेटल एक्स, तो ये रिएक्शन लिख लो। डिजायर्ड रिएक्शन क्या है, डिजायर्ड रिएक्शन है हीट चेंज पूछ रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ मेटल एक्स विथ 1 मोल ऑफ ओ टू, है ना, टू फॉर्म ऑक्साइड, ठीक है भाई। सो अगर 1/4 मोल के साथ, आप यहां देखो 1/4 मोल ऑक्सीजन के साथ 1 मोल एक्स यूज होता है तो 1 मोल के साथ कितना यूज होगा, ये 4 होना चाहिए, 1/4 से 1/2 बनता है तो ये कितना बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए। सो भाई ये कितना हो जाएगा, ये उल्टा क्या हो गया, अगर हम इस रिएक्शन को 1 मान लेते हैं सो ये 1 का उल्टा कर दो, है ना, -1 कर दो और इंटू 4 कर दो, वही आ रहा है। सो यानी कि इसका डेल्टा एच कितना आ जाएगा, -90 × 4 आएगा, 9 × 4 = 36, तो ये आ जाएगा -360 kJ, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको जिस रिएक्शन के लिए निकालना है वो आप लिख लीजिए और गिवन डेटा से आप वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये रिएक्शन कैसे मिल जाएगी, आप इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें और उल्टा कर दें तो सेम चीज़ मिल जाएगी। सो 4 से मल्टीप्लाई किया 360 हो गया, उल्टा कर दिया तो कितना हो गया, -360 हो गया। सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ एक्स मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली रिवर्सिबली फ्रॉम अ वॉल्यूम वाई, ये तो देन वर्क डन इज, सो वर्क डन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस क्या दिया जाता है, -nRT ln V2/Vi V1 या फाइनल बाय इनिशियल। सो n कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, RR ही होगा, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 ऐड कर दोगे, ln 10y/y हो जाएगा। सो ये आ जाएगा तुम्हारा -300 XR ln 10। सो ये हमको नजर आ रहा है ऑप्शन 3 में। सो ऑप्शन 3 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग करेक्ट हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज -X kJ एंड बॉन्ड, ये देखो डेल्टा एच एच एस दे रखा है, यानी कि बॉन्ड इंथैल्पी दे रखा है, किस चीज की, एच एच की। फिर कह रहा है कि एनएच की बॉन्ड इंथैल्पी कितनी है, बॉन्ड एनर्जी ये इतनी दी हुई है Y kJ एंड जेड, ठीक है, वाई और जेड दिया हुआ है। सो कह रहा है एन ट्रिपल बॉन्ड एन का क्या होगा, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चन को मैंने बताया था कि इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है, ये चीज सबको याद होगी, है ना, तो वो चीज हमको लगानी है। और मैंने कल बताया था कि बॉन्ड एनर्जी का जब आपको क्वेश्चन करना है सबसे पहले रिएक्शन लिखनी होती है। सो रिएक्शन क्या होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की, अमोनिया का हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल थ्रू नेटिव स्टेट, तो N2+H2 कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2, ये हो जाएगा 1/2, ओके।
और ये दे रखा है हमको माइनस एक्स किलो जूल। ठीक, अब इसमें बॉन्ड अगर देखे जाए तो ये कैसे हो जाएगा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस 3/2 एच सिंगल बॉन्ड एच, और यहां पर तीन जो है तुम्हारे एनएच एनएच हो जाएंगे। सो डेल्टा एच क्या लिखना चाहिए मुझे, टोटल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट मतलब हाफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस 3/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच सिंगल बॉन्ड एच माइनस तीन एनएच बॉन्ड है थ्री बॉन्ड एनर्जी ऑफ एनएच। अब इसको डेल्टा एच आर दिया हुआ है माइनस एक्स, बॉन्ड एनर्जी ऑफ आपको ये निकालनी है एन ट्रिपल बॉन्ड एन की, ठीक है। सो इसको हम मान लेते हैं कुछ ए, ए बाई टू प्लस 3/2 तुम्हारा हो जाएगा एच एच का कितना दिया हुआ है, एच एच का दिया हुआ है वाई और एन एच का दिया हुआ है जेड, तो अपना ए बाई टू इज इक्वल टू कितना आ गया 3z माइनस 3/2i माइनस एक्स। सो ए इज इक्वल टू कितना आ गया 6z, ठीक है 6z माइनस 3y माइनस 2x। सो ऑप्शन टू सीम्स टू बी करेक्ट, सो ऑप्शन टू यहां करेक्ट हो जाएगा। यहां हमने क्या किया है, ठीक है सिंपल बॉन्ड एनर्जी वाला फंडा लगा दिया है, और बॉन्ड एनर्जी का फंडा हीट ऑफ रिएक्शन में लगाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो चाहिए ही होती है, साथ ही साथ उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनमें कितने बॉन्ड्स हैं और किस तरीके से जुड़े हुए हैं इसका भी आइडिया होना चाहिए, तो उस हिसाब से बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी लोगों को समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो अ सिस्टम, ये तो मुंह जवानी वाला क्वेश्चन है, अ सिस्टम एक्स अंडरगोज फॉलोइंग चेंजेस, तो किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए पी वी और टी की जरूरत होती है, तो एक्स पी वन वी वन टी वन में सब कुछ होने के बाद ये वापस से पी वन टी वन में आ जा रहा है। सो इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, क्या कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ओके, तो ओवरऑल प्रोसेस में भी कॉल्ड एज भाई जैसा पहले था वैसा ही, ये इनिशियल स्टेट था और ये फाइनल स्टेट था। So, जब इनिशियल और फाइनल बराबर होते हैं तो उसको हम साइक्लिक स्टेट बोलते हैं। सो इसलिए ये प्रोसेस क्या कहा जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस कहा जाएगा, ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा। सर वाई कांट वी टेक एन टू प्लस, हाँ तो हाँ वैष्णवी तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा है, लेकिन मैंने बोला ना कि डेफिनेशन फॉलो कीजिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड इक्वेशन आपको लिखनी होगी, और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस थ्रू इट्स नेटिव स्टेट, और मतलब ये क्या बोलते हैं स्टेबल स्टेट्स, है ना। सो एंड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसकी स्टेबल स्टेट्स है, समझ रहे हो ना, तो इसलिए अमोनिया का वन मोल से रिलेटेड जो एनर्जी होगा उसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। जो तुम 2NH3 वाला बोल रही हो वो माइनस 2x हो जाएगा। ओके समझ आया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर्मिंग 2 moles वाट ऑफ, मैंने कल बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है H प्लस और OH माइनस से वाटर का फॉर्मेशन, और ये होता है डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 57.1 किलो जूल। तो भैया जब 2 moles बनाओगे 2 moles के लिए क्या हो जाएगा, 2H प्लस प्लस 2OH माइनस, 2H2O बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 × 57.1 किलो जूल होगा। सिंपल सी बात है, मैंने समझाया भी था कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है सिंपल H प्लस और OH माइनस का रिएक्शन और वाटर का फॉर्मेशन, जितने वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं उतने के करेस्पॉन्डिंग 57.1 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। सो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 moles बनेगा, तो माइनस 2 × 57.1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके भाई लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करा कि फॉर अ गैसियस रिएक्शन डेल्टा ई का मतलब डेल्टा यू हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये दिया हुआ है 17 किलो कैलोरी एट 27 डिग्री सेल्सियस, एज्यूमिंग आर इज इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द अबव रिएक्शन इज। सो फॉर दिस रिएक्शन, अब हम देखो जब डेल्टा ई दिया हुआ हो और डेल्टा एच पूछ लिया हो तो आंख बंद करके आप लोग डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी लिख लिया कीजिए, और डेल्टा एन जी इज इक्वल टू क्या होता है,
नंबर ऑफ गैशियस मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैशियस मोल्स इन रिएक्टेंट। सिंस हमको जो रिएक्शन दी हुई है वो क्या दी हुई है, ए गैसियस प्लस थ्री बी गैसियस गिविंग थ्री सी गैसियस प्लस थ्री डी गैसियस। तो यहां पे डेल्टा एनजी कितना आ जाएगा, आप देखो प्रोडक्ट में तीन तीन छह हैं गैसियस मोल्स और इधर है चार, तो डेल्टा एनजी यहां टू आ गया। अब हम लिख सकते हैं डेल्टा एच हमको निकालना है, तो ये 17 किलो कैलोरी यानी कि 17 इंटू 10 टू द पावर 3, डेल्टा एन जी का मतलब 2, आर का मतलब 2 दिया ही हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब 300 होता है, इतने कैलोरी आएगा। सो ये हो गया 17,000 और ये हो गया 1200, इतने कैलोरी, इसको आप ऐड करिएगा सो 18,200 कैलोरी आएगा और इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट कीजिएगा तो 18.2 किलो कैलोरीज आंसर हो जाएगा। और आंसर हमको दिख रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है, आ गया समझ में सबको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये कई बार मतलब पिछले साल में भी आ चुका है, कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब एग्जैक्टली यही डेटा नहीं, डेटा आगे पीछे करके, मतलब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया हुआ है एक्स वाई एक्स टू वाई टू, है ना, ऑल डायटोमिक मॉलिक्यूल आर इन द रेशियो ऑफ ये, ठीक है। सो अब देखो बॉन्ड एनर्जी का रेशियो, बॉन्ड एनर्जी रेशियो क्या दिया हुआ है, एक्स वाई का एक्स टू का और वाई टू का दिया हुआ 1:1:0.5। सो अगर बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स वाई ए है तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स टू भी ए है और बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई टू क्या है, ए बाई टू है, ये गिवन डेटा हो गया। कह रहा है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन एक्स वाई का, डेल्टा एच एफ दिया हुआ है एक्स वाई का कितना, -200, ठीक है। सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स टू क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो भाई अभी मैंने बताया कि हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वन मोल थ्रू रेफरेंस स्टेट, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई इज गिवन एज, ऐसे दिया जाता है, ठीक है। सो अब जो तुम्हारा बॉन्ड डेटा होगा, इसलिए डेल्टा एच इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, सो हाफ इंटू ए लिखोगे क्योंकि एक ही एक्स एक्स बॉन्ड है, प्लस हाफ इंटू ए बाई टू लिखोगे और माइनस एक ही है ये प्रोडक्ट में, सो इसको भी क्या लिखोगे, माइनस ए लिखोगे। अब डेल्टा एच एफ तुम्हारा कितना रखा, -200 आ रखा है, ये कितना आ गया, ए बाई टू आ गया, ये कितना आ गया, ए बाई फोर आ गया और माइनस ए, ये सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ए बाई फोर आएगा, ए बाई फोर क्या, माइनस ए बाई फोर आएगा। सो यहाँ से आ गया ए बाई फोर इज इक्वल टू 200, सो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 800 किलो जूल पर मोल। तो यानी कि एक्स टू की जो बॉन्ड एनर्जी है वो ए है और ये कितनी है, 800 किलो जूल पर मोल है। सो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी लोगों को समझ आया होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा ये क्लियर होगा, और इसमें बहुत घुमा घुमा के सवाल पूछता है, कभी कभी बॉन्ड एनर्जी डेटा दे देता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ लेता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन तुमको रिएक्शन ही नहीं लिखना आता होगा तो कैसे करोगे, ठीक है। 2x2+2s बराबर आना चाहिए ना, नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, 2x2+2y2 करोगे तो ये 2xy बनेगा, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन नहीं होती। आप तुरंत एनसीईआरटी खोलिए और जाके हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन देखिए पहले। हीट ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड थ्रू इट्स रेफरेंस स्टेट, थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ इट्स इन रेफरेंस स्टेट। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर तुमको हीट ऑफ फॉर्मेशन बताना है तो तुम CO प्लस O2 करके, वो 2CO प्लस O2 करके 2CO2 गलत लिखोगे,
ठीक है, वो क्या होगा, सी प्लस ओ टू वन मॉलिक्यूल ऑफ सी ओ टू, ठीक है। अमोनिया का हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है तो हैवर प्रोसेस में जो टू एन एस थ्री लिख देते हैं वो हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है, एक मोल के लिए दोनों को दो से डिवाइड करो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। आई बात समझ में, स्टेबल देखो राज स्टेबल स्टेट में तो देखना ही है, साथ ही साथ वन मोल के लिए देखना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड फॉर वन मोल फॉर्मेशन, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा जब भी हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट साइड में वो मॉलिक्यूल एक होना चाहिए, दो तीन चार पांच नहीं होना चाहिए, ओके, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देखो वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज, ये तो बहुत सिंपल सवाल है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई टू, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी, तो टू इंटू वेपर डेंसिटी का मतलब 16 हो जाएगा, सो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द हीट लिबरेटेड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ वन मोल ऑफ अमोनिया सी एच फोर गैस टू सी ओ टू एंड एच टू ओ लिक्विड इज ये, तो अब पहले तुरंत रिएक्शन लिखो, रिएक्शन में ये क्या कह रहा है कि हीट लिबरेटेड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ मिथेन वन मोल ऑफ मिथेन, सो हीट ऑफ कंबशन ऑफ मिथेन ये कैसा दिया जा रहा है, सी एच फोर को ओ टू के प्रेजेंस में गर्म किया गया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और एच टू ओ दिया, बैलेंस कर लो पहले, तो एक ही ये रहेगा और ये दो रहेगा, तो दो दो चार, तो ये दो, दिस इज बैलेंस्ड, और इससे हीट डेटा दिया हुआ है 890 किलो जूल, इतनी हीट निकली है। लिबरेटेड का मतलब हुआ माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 890 किलो जूल, 890 दिया हुआ है मैग्नीट्यूड और बोला है लिबरेटेड, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये माइनस 890 किलो जूल होगा। कैलकुलेट द हीट इवॉल्व्ड बाय 2.4 लीटर ऑफ सी एच फोर ऑन कंप्लीट कंबशन, सो दिस डेटा दिस इज फॉर वन मोल, किसके लिए, फॉर वन मोल, दैट इज 22.4 लीटर के लिए है, ठीक है। सो अगर 22.4 लीटर के करेस्पॉन्डिंग 890 किलो जूल है, यानी कि इतने जूल है, सो एक लीटर के करेस्पॉन्डिंग कितना होगा, 890 डिवाइडेड बाई 22.4 किलो जूल होगा, इसका मतलब 2.4 लीटर के करेस्पॉन्डिंग कितना होगा, 2.4 लीटर के करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा 890 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई 22.4 किलो जूल होगा। सो इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं, हाँ यहाँ एक्सो तो है लेकिन उसे साइन से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन में मैग्नीट्यूड पूछ रखा है, केवल 890 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई 22.4 ये आ रहा है 95.3 किलो जूल। सो अगर वन मोल के लिए कितना होता है, वन मोल के लिए अगर तुम्हारा वन मोल के लिए 890 किलो जूल है तो 2.4 लीटर के लिए कितना हो जाएगा, 2.4 लीटर को मोल्स में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 95.3 किलो जूल आ रहा है। बिल्कुल 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 वैष्णवी आप सही हैं, ठीक है। देखो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो यहाँ dH by dT, थोड़ा तुम लोग डर जाओगे, इसका मतलब CP होता है ना, dH by dT at constant pressure, मतलब हीट चेंज फॉर पर यूनिट, अरे भैया ये पढ़ते हो ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डी टी डेल्टा टी, तो फॉर स्मॉल चेंजेस एंड वन मोल ये क्या आ जाएगा, फॉर वन मोल डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी डी डेल्टा टी, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू सी पी, और ये सब किस पे है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे है, फॉर स्मॉल चेंज डी एच बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, सी पी लिखते हैं। उसी तरीके से डी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को लिखा जाता है क्या, सी वी, ठीक है। सो आप ये जान लो कि ये क्या है, सी पी है, ये क्या है, सी वी है, ये क्या है, सी पी है, ये क्या है, सी वी है, ये भी क्या है, ये सी वी है, ओके। अब सी पी सी वी हमको पता है, तो हम एक जानते हैं कि मेयर फॉर्मूला नाम की एक चीज होती है, फ्रॉम मेयर फॉर्मूला
CP minus CV is equal to R, and R is a positive quantity. So इसका मतलब क्या हुआ कि CP is greater than CV. CP is greater than CV. समझ आई बात? तो which statement is correct? CP is greater than CV. तो CP यहां तो less than दे दिया है, CP CV को greater दे दिया है, तो ये तो wrong है. CP plus CV is equal to R दिया हुआ है, तो ये भी गलत है. ठीक है, CV for ideal gas is zero. ऐसा कुछ होता नहीं, यहाँ कुछ options में problem है, है ना. यहाँ पर minus कर लो, ठीक है, यहाँ पर correct कर लो. ठीक है, here it should be minus only. ठीक है, CP minus CV is equal to R होता है, तो ये second option इस हिसाब से correct हो जाएगा, बाकी सब गलत है. ठीक है, इसको delete कर लो, इसको करेक्ट कर लेना ऑप्शन को. ओके, डी बाई डी टी फॉर, अच्छा सॉरी, सही दिया हुआ है. एक चीज यहां पे मैंने ध्यान नहीं दिया, ये तो गलत होगा ही. ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो. सो डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. बिल्कुल. इनकरेक्ट नहीं, इनकरेक्ट नहीं, ये करेक्ट दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है. डी बाई डी वी, डी आ गया ना कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, तो डी का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब हुआ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, ये सो सी ही आएगा, सी ही करेक्ट है. बिल्कुल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं. अभी देखो तुम लोग बार बार गलती कर रहे थे, है ना. तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर. हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर का मतलब हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ सी एच फोर थ्रू कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनकी रेफरेंस स्टेट. तो कार्बन की रेफरेंस स्टेट होती है ग्रेफाइट, और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होता ही है, ये दो ले लो. सो ये जहां भी लिखा होगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. डायमंड नहीं होगा, क्योंकि डायमंड रेफरेंस मोस्ट स्टेबल स्टेट नहीं है. ये वाला करेक्ट है, ये गलत है, और ये 4H से नहीं होता, एलिमेंटल फॉर्म होना चाहिए. ठीक है, सो अपना ऑप्शन टू यहाँ पर करेक्ट होगा. ठीक है, ऑप्शन टू विल बी करेक्ट. जैसिका एलिमेंटल मॉलिक्यूलर फॉर्म होनी चाहिए. ठीक है, ये तो एटम, हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता ना. मोस्ट स्टेबल क्या होती है हाइड्रोजन की स्टेट, हाइड्रोजन गैस होती है. ओके, सो आई होप सबको ये समझ आया होगा. बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ. मैंने तुम लोगों को बताया था कल कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ कई तरीके की होती हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव. ठीक है, एक्सटेंसिव मैंने समझाया था कि एक्सटेंसिव का मतलब अगर हम मान लो एक केक ले लिए, केक इज अ सिस्टम, सो इसका मास है और इसको हम कई पार्ट्स में तोड़ दें, तो जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनका मास चेंज हो गया. सो मास कैसी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव, क्योंकि जो प्रॉपर्टी किसी सिस्टम को कई पार्ट्स में कट करने पे बदल जाए वो एक्सटेंसिव होती है, और जो ना बदले, जैसे अगर हम इसको काट दिए, टेम्परेचर, टेस्ट, तो ये सारी चीजें कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. ओके, अब आओ देखते हैं मोल फ्रैक्शन. जितने भी कंसेंट्रेशन टर्म होते हैं ये इंटेंसिव होते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये इंटेंसिव होता है, लेकिन हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव होती है. जिसको कंफ्यूजन हो वहां मैं बता दूं कि हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, क्योंकि तुमको एक कटोरी पानी गर्म करने में जितनी हीट देनी होगी और एक भगोना पानी गर्म करने में जितनी हीट देनी होगी, दोनों अलग अलग होंगी ना, सो वो हीट कैपेसिटी हो गई. और मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है, किसी भी चीज के आगे मोलर लग गया, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब क्या है, ये इंटेंसिव होती है. ठीक है, सो यानी कि ये सेट तो गलत हो गया, ऑप्शन वन रॉन्ग. विस्कोसिटी, भाई पानी, अगर पानी की विस्कोसिटी ईटा है, तो चाहे मैं एक ग्लास पानी लूँ चाहे दस ग्लास पानी लूँ, विस्कोसिटी तो नहीं बदलेगी. तो विस्कोसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. स्पेसिफिक हीट अभी बताया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें सारे सेट जो दे रखे हैं ये इंटेंसिव दे रखे हैं. डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव है.
गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये एक्सटेंसिव है, इसी में मोलर लगा दो, मोलर लगा दो तो ये इंटेंसिव हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ये एक्सटेंसिव है, मोलैरिटी इंटेंसिव है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव है। सो हमारा करेक्ट सेट कौन है? सेकेंड सेट हमारा करेक्ट आ रहा है। एक्सटेंसिव आर एडिटिव बट इंटेंसिव आर नॉट एडिटिव ना, मेरे एक लाइन पढ़ी थी सर की, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर नॉट एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रिस्पेक्टिवली। सो टेम्परेचर तो बताया ना मैंने, टेम्परेचर इंटेंसिव होता है भैया। तुम ये देखो, तुम मान लो एक केक का एग्जाम्पल ही मैंने दिया था कि केक मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको मैं काट दूँ तो जो छोटे छोटे पार्ट आएंगे वो भी तो 25 डिग्री सेल्सियस के ही रहेंगे ना, चेंज नहीं होगा, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। और मोल जो होता है, कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों इंटेंसिव होती है? मोलर हीट कैपेसिटी, भाई देखो हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कपिल, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि किसी गिवन सिस्टम की टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़े वो हीट कैपेसिटी होती है। सो भाई एक कटोरी पानी ले लिया, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए तुमको एक्स अमाउंट हीट देनी पड़ी। 10 कटोरी पानी ले लूंगा तो 10x देनी पड़ेगी ना हीट, कि एक्स में ही हो जाएगा, नहीं होगा, तुम प्रैक्टिकल कर सकते हो। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब होता है एक मोल के लिए जो डिफाइंड हो, सो एक मोल के लिए तो हमेशा फिक्स रहेगा। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब फॉर वन मोल, फॉर वन मोल तो चेंज नहीं होगी ना। कहो सर उसको आधा काटते तो वो तो आधे मोल के लिए हो गया, तो आधे मोल के लिए अगर एक्स है तो वन मोल के लिए तो फिर से 2x होगा ना। 10 मोल के लिए अगर 10x दिया हुआ है सो उसके लिए तो एक्स ही होगा ना, वन मोल के लिए। और स्पेसिफिक हीट पर ग्राम के लिए होता है, तो 1 ग्राम के लिए डिफाइंड है तो वो तो फिक्स ही होगा ना। सो पर मोल और तुम्हारा जो क्या है, पर मोल और स्पेसिफिक, या किसी भी चीज के आगे पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे प्रेशर, प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो फोर्स का मतलब, प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लग रहा है। सो भाई यूनिट एरिया तो हमेशा उतना ही लगेगा ना फोर्स। मान लो पूरी दीवार पे मैं 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन यूनिट एरिया पे तो कुछ फिक्स होगा ना, वो हमेशा फिक्स होगा ना। सो अगर कोई भी प्रॉपर्टी ऐसे आती है जिसके एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दी हुई हो, वो हमेशा इंटेंसिव होगी। जैसे मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव है लेकिन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसी भी प्रॉपर्टी को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो इंटेंसिव होगी। समझ आई बात? ओके, तो आज का थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। ये हमने थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 कर लिया है। अब शाम को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का 8 PM थर्मोडायनेमिक्स PYQ पार्ट 1 करेंगे, तो प्लीज सभी लोग रहिएगा। और अभी नेक्स्ट क्लास 4:30 PM से PH सिखाना जा रहा हूं मैं, ठीक है। PH पे पूरा पढ़ाऊंगा और PH के कैलकुलेशंस करना सिखाऊंगा। तो आप लोग स्पेशल क्लास पे आ जाइएगा, अभी अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास में मेरी शुरू होने वाली है 4:30 से, तो सभी लोग वहाँ आइए। और आप लोगों को ये लेक्चर जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए। और जिसने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, मेरा कोड SHUBH यूज़ करके ये सब्सक्रिप्शन ले लें। और साथ ही साथ टेलीग्राम लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप ये PDF तुरंत डाउनलोड कीजिए और एक बार फिर से प्रैक्टिस करके तुरंत ख़त्म कीजिए इस चीज़ को। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अनअकैडमी ने एक आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है अनअकैडमी प्रोडिजी। और अनअकैडमी प्रोडिजी पे आपको 5 करोड़ से ज़्यादा की स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है, ठीक है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाके इसमें अपने आप को रजिस्टर करें और 5 करोड़ की स्कॉलरशिप के लिए फाइट करें बढ़िया से। और ये आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम से पहले आपका सबसे बड़ा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़, एक तरीके का ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें अच्छा परफॉर्म करने पे आपको प्राइजेस मनी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आपको बता दूं आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको कोई और नहीं, राहुल द्रविड़ आएंगे फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है। सो इसके जितनी अच्छे से हो सकता है उतना अच्छा प्रिपरेशन कीजिए, उतना अच्छा परफॉर्म कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छा परफॉर्म कीजिए। समझने वगैरह में कहीं कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मैं हूँ ही, आप कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे एक बार पिंग कर दीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। सो इसमें अच्छे से करिए, ठीक है। और 4:30 वाली क्लास पे, स्पेशल क्लास में ज़रूर आइए आप लोग, ठीक है। मैं PH सिखाऊंगा आज, PH शुरू से एकदम सिखाऊंगा।
और दो तीन क्लास लूंगा पीएच, जिसको भी इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम हो रही थी आके वो अटेंड कर सकता है, ठीक है। और प्लीज मेरा ये कोड SHUBS शेयर करना ना भूलिए। वैष्णवी अनअकैडमी पे, अनअकैडमी पे ये 4:30 वाली क्लास, स्पेशल क्लास का मतलब ही हुआ अनअकैडमी पे, ठीक है। तो आप लोग अनअकैडमी पे आइए 4:30 से, अभी कितना बज रहा है, 4 बजने जा रहा है, आधे घंटे का गैप है। PDF डाउनलोड करके जो क्वेश्चन कराए हैं वो एक बार देख लीजिए, और 4:30 से आ जाइए क्लास में एकदम शार्प, 4:30 सभी लोग आ जाइएगा। मैं 3-4 क्लासेस लूंगा लगातार 2-3 दिन तक, तो PH आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और स्माइल प्लीज, हाँ भाई मैं स्माइल ही कर रहा हूँ, तुम लोग अच्छा पढ़ो अच्छे से करो तो मैं तो हमेशा हंसता रहूंगा, है ना। और तो ये अनअकैडमी प्रोडिजी के लिए आप लोग जरूर से तैयारी कीजिए अच्छे से, ठीक है। और तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद ये लेक्चर देखने के लिए। अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा कोड ये जरूर SHUBH लगाना ना भूलिए, है ना। ये लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग के लिए फ़ायदा करेगा, सो दैट मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू कर सकूँ। ओके, सो फिर अभी ज़्यादा बात करने की बजाय मिलते हैं 4:30 पे पहले अनअकैडमी पे, फिर 8 बजे हम लोग मिलेंगे यूट्यूब पे वापस से थर्मोडायनेमिक्स के PYQs के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, मिलते हैं 4:30 पे अनअकैडमी पे।